आज हम बात करेंगे हुडीज की। जी हाँ गाइज, मैंने अमेजोन से बहुत सारे हुडीज को बाय किया है और सारे हुडीज आपको 500-600 के प्राइस में मिल जाएंगे, तो काफी अफोर्डेबल बजट होने वाला है। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते ना, वो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करें, लास्ट तक जरूर देखें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें, क्योंकि यहां मेंस फैशन से रिलेटेड आपको क्लोथिंग हॉल देखने को मिल जाएंगे। आपको शर्ट, टी शर्ट, जींस, शूज से रिलेटेड बहुत सारे हॉल देखने को मिल जाएंगे। अमेजोन से अलग अलग ब्रांड के काफी ज्यादा हुडीज मैंने बाय किया है, उन सबका रिव्यू करूंगा, पूरा डिटेल रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, किसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो हमारे लिए सबसे पहला हुडी है, आपको स्काई ब्लू एंड डार्क ब्लू के कलर ब्लॉक पैटर्न पे पूरा हुडी देखने को मिल जाएगा, जो काफी अच्छा आपको कलर पैटर्न देखने को मिल जाएगा। कलर ब्लॉक हुडी की एक यही इंपॉर्टेंट बात होती है ना, वो देखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। कोई भी अगर एक कलर आपको सॉलिड कलर पसंद नहीं है तो आप कलर ब्लॉक की तरफ जा सकते हैं। इसके आपको स्लीव पे भी वही आपको कलर ब्लॉक पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जो आपको टोटली डुअल टोन पूरा हुडी देखने को मिल जाएगा। आपको ब्लू एंड स्काई ब्लू की कॉम्बिनेशन पे हुडी देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आप बात करें इसके मटेरियल की, तो इसका मटेरियल की क्वालिटी ना बहुत अच्छी, काफी डिसेंट मटेरियल का इन्होंने यूज किया है, काफी थिक मटेरियल का यूज किया हुआ है। मतलब इसको पहनने के बाद आपको विंटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आपको ठंडी नहीं लगने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो आपको इसके कैप को भी काफी अच्छी बड़ी साइज का कैप देखने को मिल जाएगा। जब मैं करूं तो आपको इसके कैप के अंदर भी आपको फरी काइंड आपको मटेरियल देखने को मिल जाएगा, जो फर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, जो आपको विंटर से बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद बात करूं ना, आपको नीचे पे आपको यही इलास्टिक पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जो काफी अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है, जो आपके साइज के अकॉर्डिंग काफी अच्छे से फिट आ जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो आपको नीचे के साइड आपको यहां पे एलन जोन्स कंपनी की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। जी हाँ गाइस, ये हुडी का ब्रांड का नेम है एलन जोन्स कंपनी, जो आपको मोस्टली अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। नीचे की साइड आपको पॉकेट देखने को मिल जाएगा, जो काफी कोजी वाइब देने में हेल्प करता है यार, क्योंकि पॉकेट के बिना ना हुडी मुझे अधूरी लगती है। तो ये चीजों को इन्होंने ध्यान रखा हुआ है, जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, ब्रांड को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद बात करूँ इसके कलर की क्वालिटी की, जो टाइम के साथ फेड नहीं होने वाला है, काफी अच्छे कलर क्वालिटी के इन्होंने यूज किया हुआ, जो काफी अच्छी बात होती है। आफ्टर वॉश भी काफी अच्छे डिसेंट तरीके से ये हुडी लॉन्ग टर्म पे आपका चलने वाला है। इसके बाद मैं बात करूँ, आपको यहाँ पे दो स्ट्रैप देखने को मिल जाएगा, जिन्हों पे या किसके लास्ट पे इन्होंने ना स्टील काइंड ऑफ आपको कैप का यूज किया हुआ, जो काफी अच्छी चीज है, क्योंकि काफी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यूज किया हुआ है। इस टाइप की क्वालिटी भी काफी अच्छी, काफी डिसेंट है। क्वालिटी के बाद मैंने इसे साइड में वेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं काफी अच्छे साइज में फिट आ गया। मैंने सेम साइज बाय किया, जो मेरा रेगुलर साइज है, और मुझे काफी अच्छे से फिट आ गया, कोई भी साइज बाय इशू नहीं होने वाला, जो आपका रेगुलर साइज है उसकी तरफ जा सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में इसके प्राइस की बात करूं, तो इसके प्राइस टैग में मेंशन 999 पर आपको इतना खर्च नहीं करना है। यह मुझे रिसीव हो गया था मात्र 540 रुपीज में, मतलब काफी अफोर्डेबल रेंज पे। ऐसी क्वालिटी का अगर हुडी रिसीव हो जाए ना, तो विंटर अच्छे से चला जाने वाला है। एंड फटाफट नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो आप देख सकते हैं आपको एक ब्लैक कलर का हुडी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा हो तो काफी प्रीमियम लुक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ब्लैक कलर ना काफी प्रीमियम कलर होता है, क्योंकि ब्लैक की बात ही अलग होती है। जब आप इसे वेयर करेंगे ना, खासकर विंटर में, तो बिल्कुल भी आई कैचिंग हुडी होने वाला है। इसके बाद बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पूरे हैंड पे आपको व्हाइट कलर का डिटेलिंग देखने को मिल जाएगा, जो एम्ब्रॉयडरी काइंड ऑफ आपको डिटेलिंग देखने को मिल जाएगा, जो बिल्कुल भी इनबिल्ट डिटेलिंग, इन्होंने कोई बाहर से पैच काइंड ऑफ इनबार्क नहीं किया हुआ है, काफी अच्छे से इन्होंने इसको एडजस्ट करते हुए स्टिचिंग की हुआ, जो बहुत अच्छा मुझे पर्सनली पसंद आया, क्योंकि व्हाइट कलर ना ब्लैक कलर को पूरा पॉप आउट करने की कोशिश कर रहा है। साइड में मैंने इसे वेयर किया, आप देख सकते हैं काफी पॉप आउट दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने कोई ब्लैक कलर की चीजें पहनी हुई है, व्हाइट कलर उसे पूरा कंप्लीट कॉम्बो बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। इसके बाद आपको दोनों स्लीव पे वही पैटर्न देखने को मिल जाएगा, व्हाइट कलर के आपको एम्ब्रॉयडरी काइंड ऑफ पैटर्न, स्टिचिंग क्वालिटी काफी डिसेंट, काफी इन्होंने स्टिचिंग की हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसके बाद अब नीचे की मैं बात करूं, तो आपको वही इलास्टिक पैटर्न देखने को मिल जाएगा, और काफी अच्छा सा इलास्टिक पैटर्न है। इसके बाद आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएंगे, जो हुडी को कंप्लीट लुक देने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पॉकेट का लेंथ भी काफी अच्छा है, काफी अच्छे इन्होंने लेंथ का पॉकेट बनाया हुआ है। इसके बाद मैं बात करूं ना इसके पूरे कलर की क्वालिटी, तो कलर की क्वालिटी काफी अच्छी इन्होंने की हुई है, जो टाइम के साथ फेड नहीं होने वाला है। वैसे काइंड ऑफ इन्होंने सस्ते काइंड ऑफ कलर की कोटिंग नहीं की हुई है, जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया। सबसे इंपॉर्टेंट इसके ब्रांड की बात करूं, तो आपको एलन जोन्स कंपनी का ही देखने को अगेन ये हुडी मिल जाएगा। साइज यम है, मैंने इसे साइड वेयर किया है, साइज वाइज बिल्कुल भी फिट आ जाने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, जो आपका रेगुलर साइज उसकी तरफ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। एंड सबसे लास्टली मैं बात करूं इसके फैब्रिक के, इसके मटेरियल का, जिसका वेट आप काफी देर से कर रहे हैं, तो काफी थिक मटेरियल का यूज किया है, काफी अच्छा कॉटन क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। आपको पूरे हुडी पे अंदर पे आपको फरी मटेरियल देखने को मिल जाएगा, जो काफी अच्छा फरी इन्होंने यूज किया हुआ है। अगर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा हो तो आप देख सकते हैं, फर वाइज काफी अच्छी इन्होंने क्वालिटी का यूज किया हुआ है, जो आपको विंटर में बिल्कुल भी हेल्प कर देने वाला है। अगर वाइप वगैरह भी आप चलाते हैं, तो काफी अच्छे से आपको ठंड से ये बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। सबसे लास्टली मैं बात करूं इसके प्राइस की, तो इसके जो प्राइस टैग में मेंशन हुआ है 999 रुपीज पर मुझे रिसीव हो गया था 630 रुपीज में। 630 के हिसाब से काफी वर्थ वाइज ये हुडी होने वाला है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट हुडी की तरफ चलते हैं, तो आप देख सकते कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग मुझे रिसीव हो गया था। ओपन करने के बाद आपको पूरा येलो कलर का हुडी देखने को मिल जाएगा। येलो कलर ना काफी प्रीमियम कलर होता है, जब आप इसे वेयर करेंगे ना, तो काफी आई कैच
मैचिंग होता है और आपकी लड़कियां बिल्कुल भी आपको नोटिस करने वाली है। अगर आपका फेयर कलर है ना तो आपके ऊपर बिल्कुल भी चार चांद लगाने वाले हुडी होने वाला है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है येलो कलर, इसलिए मैं अपने लिस्ट में येलो कलर को जरूर ऐड कर लेता हूं। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको पूरा फुल क्लिप देखने को मिल जाएगा, अच्छे से हैंड पे कफिंग देखने को मिल जाएगी जो काफी अच्छे से हैंड में ग्रिपिंग देने में बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है। साइज वाइज कोई इशू नहीं होने वाला है, अगेन साइज एम है, मुझे काफी अच्छे से फिट आ गया है, मैंने साइड में इसे वेयर भी किया हुआ है। अगर आप देख सकते हैं आपको अच्छे से बिग कैप देखने को मिल जाएगा जिसपे अंदर आपको ब्लू कलर की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी जो आपको अच्छे से कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको दो पुलिस टैप देखने को मिल जाएंगे जो आपको अक्सर हुडी पे देखने को मिल जाए, जो काफी अच्छे आपको ब्लू कलर का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी इन्होंने रिंग का आइटम डिटेलिंग को ऐड किया हुआ, पूरा लुक आपको येलो कलर का देखने को मिल जाएगा। आपको नीचे के साइड देख सकते हैं आपको काफी अच्छी डेंसिटी का आपको पॉकेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पैच वर्क करके उन्होंने सिंपल की डिटेलिंग ऐड की हुई है, तो काफी मिनिमल डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो आपको अगेन अच्छे से इलास्टिक पैटर्न नीचे देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट पे आपको बैक कलर के साथ आपको टाइपोग्राफी प्रिंट देखने को मिल जाएगा जो काफी मिनिमल प्रिंट है, काफी छोटे छोटे प्रिंट इन्होंने किया हुआ है, इसके वाइब को इनहेंस करने में बहुत ज्यादा प्रेटी वाइब बनाने में हेल्प कर रहा है। आपको सिंपल की यहाँ पे डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी, साइज एम देखने को मिल जाएगा, साइज वाइज कोई इशू नहीं होने वाला, काफी अच्छे से फिट आ जाने वाला है। इसके बाद इसकी स्टिचिंग क्वालिटी भी काफी अच्छी स्टिचिंग का यूज करते हैं, सिंबल की क्लोथिंग का मटेरियल एंड सिंबल की क्वालिटी कोई भी ब्रांड नहीं पाने वाला है। जिस प्राइस पॉइंट पे ये मटेरियल अवेलेबल कराते हैं उसके हिसाब से इनकी क्वालिटी काफी अच्छी, काफी बेस्ट मटेरियल ये अवेलेबल कराते हैं। पूरा आपको काफी थिक मटेरियल देखने को मिल जाएगा जो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं करने वाला है और आप डेफिनेटली इसके तरफ जा सकते हैं, यह मस्ट हैव ब्रांड आपके लिए होने वाला है। अगर आप विंटर वेयर की तरफ जाना चाहते हैं तो सिंबल ब्रांड को बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा, कोई भी पैड प्रमोशन नहीं। सारे हुडीज को मैंने अपने पैसों से बाय किया है इसलिए मैं जेन्युइन रिव्यू ही करूंगा, इसके डिसअपॉइंटिंग पार्ट की भी मैं बात करूंगा एंड आपको अच्छे पॉइंट की भी मैं बात करूंगा। अंदर आपको अच्छा फरी मटेरियल देखने को मिल जाएगा जो टाइम के साथ फेड नहीं होने वाला है, आपको विंटर से बिल्कुल भी बचा लेने वाला है, आपको फरी मटेरियल देखने को मिल जाएगा, आपके क्लियरली विजिबल हो रहा हो। तो ओवरऑल ये रहा इसका रिव्यू। इसके बाद मैं बात करूं ना इसके प्राइस पॉइंट की, तो मुझे 600 रुपीज में रिसीव हो गया था, तो काफी बजट के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी के साथ रिसीव हो जाता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे स्काई ब्लू कलर का पूरा हुडी देखने को मिल जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देख सकते हैं इस पे आपको यहाँ पे कार्टून काइंड ऑफ डिटेलिंग व्हाइट ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन पे देखने को मिल जाएगा जो काफी मिनिमल आपको फ्रंट पे लेफ्ट साइड पे डिटेलिंग देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बैक की बात करूं तो वेब का आपको इमोजी काइंड ऑफ आपको रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में पूरा को इमोजी वाली डिटेलिंग बिग देखने को मिल जाएगी जो काफी बड़ी डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और ऊपर आपको व्हाइट कलर के एंड बैक कलर ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के साथ आपको वॉट लिखा हुआ मिल जाएगा जो बहुत ही आई कैचिंग पूरे हुडी को बनाने वाला है, मतलब मोस्टली आपको नोटिस करने वाली हुडी होने वाली है अगर आप कहीं पहन के इसे बाहर जाने वाले हैं ना। इसके बाद तो काफी अच्छे से आपको बिग कैप देखने को मिल जाएगा, कैप की क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी डिसेंट इन्होंने फैब्रिक का यूज किया हुआ है। इसके बाद आपको वहीं पे पुलिस टैप देखने को मिल जाएगा जिसपे आपको प्लास्टिक की नीचे डिटेलिंग ब्लैक कलर की देखने को मिल जाएगी और व्हाइट कलर का आपको पुलिस टैप देखने को मिल जाएगा जो व्हाइट एंड स्काई ब्लू ना बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को। आपको नीचे अगेन आपको पॉकेट देखने को मिल जाएगा एंड इलास्टिक पैटर्न देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करूं तो आपको ये वियर्डो ब्रांड की हुडी देखने को मिल जाएगी, वियर्डो भी काफी नोइंग ब्रांड है, आपको अमेज़न पे मोस्टली देखने को मिलता है, इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। एंड मटेरियल की बात करूं तो काफी थिक मटेरियल का इन्होंने यूज किया, जो सिंपल का मटेरियल इसका मटेरियल काफी सिमिलर है, काफी थिक मटेरियल है। एलन जोस का सिंबल एंड इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लाइट मटेरियल देखने को मिल जाएगा, पर उसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है, मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है आपको। ये थोड़ा सा ज्यादा थिक मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा, जब इसे आप हाथ में उठाएंगे ना तो काफी वेट है इस मटेरियल पे, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसके बाद आपको हैंड पे अच्छे से कफिंग देखने को मिल जाएगी जो आपको काफी अच्छे से ग्रिपिंग देने में हेल्प कर देगा। एम साइज देखने को मिल जाएगा, मैंने इसे साइड में वेयर किया है, काफी अच्छे से मुझे फिट आ गया है, फिटिंग वाइज कोई भी इशू नहीं होने वाला है। एंड सबसे लास्टली बात करूं तो इसके प्राइस पॉइंट पे 1299 रुपए मेंशन है, यह मुझे रिसीव होता था सिर्फ और सिर्फ 700 रुपीज में, 700 के हिसाब से इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर आप अच्छे हुडी की तरफ जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए मस्ट हैव होने वाला है। अब इसके बाद अपने हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट हुडी की तरफ चलने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने इसे वेयर कर लिया है, आपको पूरा मेहरून कलर का हुडी देखने को मिल जाएगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट ना आपको इसके फ्रंट पे आपको रबराइज प्रिंट के साथ आपको मिकी माउस की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी जो काफी लाइनिंग काइंड ऑफ डिटेलिंग है, पर इसके पूरा रबराइज आपको डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी जो रबर ना थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है या टाइम के साथ फेड हो जाता है, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज आपको देखने को मिल जाएगी। इसका जो ब्रांड नेम है अगेन आपको सिंबल देखने को मिल जाएगा, पर थोड़ा सा सिंबल में ये चीजें डिसअपॉइंट हुई क्योंकि जो रबर की क्वालिटी काफी डिसेंट क्वालिटी नहीं है। एंड बैक में बात करूं तो आपको मिकी माउस देखने को मिल जाएगा जो 3D प्रिंट के साथ आपको टाइपोग्राफी देखने को मिल जाएगा जिस वजह से थोड़ा कैजुअली बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। और मेहरून के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन इन्होंने थोड़ा सटल लुक देने के लिए, थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए ना मेहरून को इसका यूज किया हुआ है जो काफी हद तक इन्होंने अच्छे से इन्होंने डिटेलिंग देने में बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है। इसके बाद बात करूं तो आपको फुल स्लीव देखने को मिल जाएगा, हैंड की कफिंग अच्छी देखने को मिल जाएगी, अब अच्छे से आपको डीप आपको कैप देखने को मिल जाएगा, आपको पुलिस टैप भी देखने को मिल जाएगा जिस
पीस पे आपको मैरून कलर का ये पुलिस टैप देखने को मिल जाएगा, एंड आपको वहीं पे प्लास्टिक का थोड़ा सा पैटर्न देखने को मिल जाएगा नीचे के साइड, जो सेम मैरून कलर का आपको देखने को मिल जाएगा। आपको अगेन दो पॉकेट देखने को मिल जाएंगे जो काफी अच्छे से आपके हैंड के साथ चले जाने वाले, काफी डीप पॉकेट आपको देखने को मिल जाएंगे। सिंबल ब्रांड का ये हुडी होने वाला, जैसे मैंने पहले क्लियर कर लिया, साइज है और साइज वाइज काफी अच्छे से फिट आ जाने वाला है। एंड सबसे लास्ट में इसके मटेरियल की बात करूं तो काफी थिक मटेरियल, काफी अच्छे कॉटन क्वालिटी के यूज किया है, काफी अच्छा फरेड मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा ओवरऑल क्लोथिंग में, जो आपको विंटर से बहुत ज्यादा बचाने में हेल्प कर सकता है। इसके प्राइस की बात करूं ना यार, तो काफी बजट में, काफी अफोर्डेबल में, या मुझे 640 रुपीज में रिसीव हो गया था। 640 के हिसाब से आपको सिंबल कैसी हुडी मिल जाए ना, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वाई आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। इससे रिलेटेड जो भी कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम मैसेज बता सकते हैं, आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं पूरे बनाने की कोशिश करूंगा। एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो, और ऐसे अच्छे अच्छे अगर वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, कीप हेल्दी, स्टे फिट, जय हिंद, जय भारत।